आज बच्चों हम लोग इस वीडियो में पढ़ेंगे नंबर सिस्टम्स के बारे में, संख्या पद्धति के बारे में। संख्या पद्धति से अगर कोई भी क्वेश्चन आता है, नंबर सिस्टम से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आता है, तो आप लोग आज के बाद बिल्कुल टेंशन फ्री हो जाओ। कभी भी नंबर सिस्टम से कोई क्वेश्चन आप लोगों से बचेगा नहीं जो आप लोगों को ना आए। तो आओ शुरू करते हैं। नंबर सिस्टम क्या होता है, हम इसमें क्या पढ़ने वाले हैं वो भी जान लेते हैं। नंबर सिस्टम में पहले हम लोग जानेंगे कि नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। जो नंबर सिस्टम संख्या पद्धति क्लास 9th में है, उसके पहले 8th में भी थोड़ा पढ़ा होगा, रिप्रेजेंट नंबर लाइन, नंबर्स को नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करते थे 8th में, 6th में, 7th में। लेकिन आज अब थोड़ा आगे उसके बढ़ेंगे, तो उसको जानने के लिए वीडियो को पूरा बच्चों देखिएगा। अगर नंबर सिस्टम को जानना है भली भांत, तो वीडियो को पूरा अवश्य देखें। तो नंबर सिस्टम में हम लोग क्या पढ़ेंगे, नंबर सिस्टम में हम लोग पढ़ने वाले हैं रियल नंबर। नंबर सिस्टम को कहते हैं संख्या पद्धति। क्या कहते हैं, संख्या पद्धति। इसमें जो हम लोग पढ़ेंगे वो क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर। इसको हिंदी में कहते हैं वास्तविक संख्याएं। क्या कहते हैं, वास्तविक संख्याएं, वास्तविक संख्याएं। ये चीज हम लोग इसमें पढ़ने वाले हैं नंबर सिस्टम में। नंबर सिस्टम में क्या पढ़ेंगे, रियल नंबर के बारे में जानेंगे। अब रियल नंबर बच्चों आप लोगों ने क्लास 10th में पहला चैप्टर है रियल नंबर, वास्तविक संख्याएं। तो वास्तविक संख्याएं, रियल नंबर, वो मेनली टू टाइप्स के होते हैं। आप लोगों ने देखा होगा, एक डेसिमल वाले और एक विदाउट डेसिमल वाले, जिनमें दशमलव लगा होता है। डेसिमल को क्या कहते हैं, दशमलव। तो दो तरह के नंबर होते हैं। पहला क्या होता है, डेसिमल नंबर। क्या, डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर को कहते हैं दशमलव वाली संख्याएं। कौन सी, दशमलव, दशमलव वाली जो संख्याएं होती हैं उन्हें हम डेसिमल नंबर कहते हैं। दूसरी जो होती है वो विदाउट डेसिमल, जिनमें दशमलव नहीं होता है, विदाउट डेसिमल नंबर, विदाउट डेसिमल नंबर। बिना दशमलव वाली संख्या हिंदी में कहते हैं बिना दशमलव वाली, जिनमें दशमलव नहीं होता है, बिना दशमलव वाली संख्याएं। ये दो प्रकार की संख्याएं आप लोगों ने देखी होगी, एक दशमलव वाली, एक बिना दशमलव वाली। आप सबसे पहले जानते हैं कि ये तो था डेसिमल नंबर, जिसमें दशमलव होता है, और ये थी विदाउट डेसिमल। तो सबसे पहले जानेंगे विदाउट डेसिमल वाले नंबर कौन से होते हैं, कौन से विदाउट डेसिमल, विदाउट, विदाउट डेसिमल, विदाउट डेसिमल नंबर। ये नंबर, अब ये नंबर कौन कौन से हो सकते हैं विदाउट डेसिमल नंबर, जिनमें दशमलव नहीं होता है। जैसे क्या हो गया हमारा, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गया, डॉट 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 प्लस इंफिनिटी तक। इसी प्रकार के नंबर आप लोगों ने देखा होगा जिनमें दशमलव नहीं होता है, 1, 2, 3, 4, 5, 6, या फिर ऐसे देखा होगा -1, -2, -3,
माइनस फोर, ऐसी माइनस में आप लोगों ने संख्याएं देखी होंगी, ऐसे माइनस इंफिनिटी तक, माइनस इंफिनिटी तक। एक तो आप लोगों ने देखा होगा कि जो प्लस में नंबर होंगे, एक निगेटिव नंबर होंगे, इसी प्रकार के नंबरों को आपने देखा होगा विदाउट डेसिमल नंबर ये होते हैं। अब विदाउट डेसिमल नंबर में कौन कौन से नंबर आते हैं? जो वन से स्टार्ट होते हैं, यहां से वन से स्टार्ट होते हैं प्लस इंफिनिटी तक, प्लस इंफिनिटी तक, उन्हें हम कहते हैं नेचुरल नंबर। क्या कहते हैं? नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर हिंदी में कहते हैं प्राकृतिक संख्याएं। क्या कहते हैं? प्राकृतिक संख्याएं, प्राकृतिक संख्याएं कहते हैं। कौन कौन से? जो वन से स्टार्ट होती है, वन से स्टार्ट होंगी और अनंत तक चली जाएंगी, प्लस इंफिनिटी तक, ऐसी संख्याएं प्राकृतिक संख्याएं होती हैं। अब अगर पूछ लिया जाए सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, तो सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है, ठीक। अब बात आ जाती है अगर जीरो से, अब जीरो से अगर प्लस इंफिनिटी तक हो तो उसे क्या कहते हैं, वो चीज जान लो, उसको कहा जाता है होल नंबर। क्या कहते हैं? होल नंबर कहते हैं। होल नंबर को क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं। क्या कहते हैं? पूर्ण संख्याएं, पूर्ण संख्या हिंदी में कहा जाता है, जो जीरो से स्टार्ट होती हैं, जीरो, वन, टू, थ्री, फोर, प्लस इंफिनिटी तक, अनंत तक होती हैं, लेकिन स्टार्ट जीरो से होती हैं, ठीक। आप देखिए अगर पूछ ले जाए सबसे छोटा या सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या होती है, होल नंबर क्या होता है, तो वन, ठीक। सबसे छोटी संख्या क्या होती है? होल नंबर होती है। अब यहां से प्रश्न बनता है, क्या ध्यान दीजिए, क्या सभी प्राकृतिक संख्याएं जो नेचुरल नंबर हैं वो होल नंबर हैं? हाँ है, क्योंकि सारी प्राकृतिक संख्याएं होल नंबर में मिलती हैं, इसलिए सभी प्राकृतिक संख्याएं क्या हैं? होल नंबर हो सकती हैं, लेकिन सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, ये चीज याद रखना, ऐसा क्वेश्चन ट्रू फॉल्स में आता है, इसलिए बता रहा हूं। जितने भी होल नंबर हैं वो सारे नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सारे नेचुरल नंबर वो होल नंबर हो सकते हैं, पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। समझ गए बच्चों? अगर कोई दिक्कत हो तो आप कमेंट में बता सकते हो। क्या समझे? सभी होल नंबर नेचुरल नंबर नहीं हो सकते, लेकिन सभी नेचुरल नंबर होल नंबर हो सकते हैं। आप कह दिया जाए सबसे छोटी, सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या है, नेचुरल नंबर क्या है, तो वो एक है। अगर कह दिया जाए सबसे छोटी या स्मॉलेस्ट होल नंबर कौन सा है? जीरो। ये चीज क्लियर हुई? आगे अब देखिए, और पूर्णांक क्या होते हैं, ये सब क्या होते हैं, इन्हीं को प्राकृतिक संख्याओं को और किस नाम से जानते हैं? नेचुरल नंबर्स को ही हम काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं। इन नंबरों को क्या कहते हैं? काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है। कौन से? काउंटिंग नंबर्स, काउंटिंग नंबर्स भी कहते हैं इनको, या पॉजिटिव इंटीजर्स भी कहा जाता है। काउंटिंग नंबर्स को क्या कहते हैं? ये सब क्या है वाले? पॉजिटिव इंटीजर हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स हैं। क्या है? पॉजिटिव इंटीजर्स, ये पॉजिटिव इंटीजर हैं। और ये क्या है हमारे सब? निगेटिव इंटीजर्स होते हैं, ये माइनस वन से माइनस इंफिनिटी तक, इन्हें कहते हैं निगेटिव इंटीजर। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर, ये थोड़ी जगह बना लूं, इनको कहते हैं निगेटिव। क्या कहते हैं? निगेटिव इंटीजर।
और ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं और ये निगेटिव इंटीजर्स होते हैं और ये जीरो इंटीजर होता है। पॉजिटिव इंटीजर्स जीरो इंटीजर प्लस निगेटिव इंटीजर्स मिलके क्या बन जाता है, इंटीजर्स। क्या होता है, इंटीजर्स। क्या कहते हैं, इंटीजर्स कहा जाता है, इंटीजर्स। इंटीजर्स को हिंदी में कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं, पूर्णांक, जो जीरो से वन टू थ्री इधर प्लस इंफिनिटी तक होते हैं और इधर माइनस इंफिनिटी तक, डॉट 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 माइनस इंफिनिटी तक। ये पॉजिटिव इंटीजर्स होते हैं, प्लस इंफिनिटी है और ये माइनस इंफिनिटी। तो ये पॉजिटिव इंटीजर्स हो गए, ये निगेटिव इंटीजर्स हो गए। ये हमारे क्या हुए, नेचुरल नंबर, होल नंबर। अब नेचुरल नंबर्स को क्या कहा जाता है, पॉजिटिव इंटीजर्स कहते हैं, ठीक। अब कह दिया जाए ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बिलोंग टू होल नंबर, यस ऑल पॉजिटिव इंटीजर्स बिलोंग टू होल नंबर, बट ऑल होल नंबर्स डज नॉट बिलोंग टू पॉजिटिव या नेचुरल नंबर। ये चीज याद रखनी है हमें। तो इंटीजर्स बच्चों आप लोग समझ गए होंगे कि इंटीजर्स दो प्रकार के होते हैं, पॉजिटिव और निगेटिव। हाँ, जीरो भी इंटीजर सेम है। अब आते हैं कौन से नंबर। हाँ, अब इसमें पॉजिटिव इंटीजर्स ये नेचुरल नंबर में ऑड इवन नंबर भी होते हैं। क्या, ऑड नंबर। क्या आते हैं, ऑड नंबर। ऑड नंबर क्या होते हैं, विषम संख्याएं, विषम संख्याएं। ऑड नंबर्स को क्या कहते हैं, विषम संख्याएं। ऐसी संख्याएं या ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल से डिवाइड होते हैं वो क्या होते हैं, विषम नंबर होते हैं, ठीक। जैसे वन थ्री, वन टू, वन टू तो कट जाता है, थ्री फाइव सेवन और इस तरह से इनफाइनाइट तक, ये ऑड नंबर है जो किसी के टेबल में ना आए, सिर्फ अपने ही टेबल में आए, ऑड ही नंबर। जैसे नाइन है, जो टू से डिवाइड ना हो, वैसे नंबर क्या होते हैं, ऑड नंबर होते हैं, ठीक। अब देखिए, और यहां टू क्यों नहीं लिखा, क्योंकि टू टू से डिवाइड होता है, इसलिए टू ऑड नहीं है, इवन है। तो इवन नंबर, इवन नंबर, इवन नंबर को क्या कहते हैं, सम संख्याएं। क्या कहते हैं, सम संख्याएं, सम संख्याएं कहते हैं इवन नंबर को। अब सम संख्याएं क्या होती हैं, ऐसे नंबर जो टू से डिवाइड हो जाते हैं, जैसे टू फोर सिक्स एट टेन, इसी प्रकार चलता चला जाएगा प्लस इनफिनिटी तक, जिस डिजिट के लास्ट में जीरो टू फोर सिक्स एट, जीरो टू फोर सिक्स यूनिट डिजिट, अगर किसी नंबर का यूनिट डिजिट, अगर यूनिट डिजिट, जो यूनिट डिजिट है, इकाई अंक है, उसके अंत में अगर जीरो टू फोर सिक्स एट आता है तो वो नंबर टू से डिवाइड हो जाएगा। ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, इवन नंबर होते हैं, सम संख्याएं कहा जाता है उन्हें। अब बच्चों आते हैं, हमारा ऑड हो गया, इवन हो गया, आइए कंपोजिट नंबर क्या होते हैं। क्या, कंपोजिट। अब तो जगह भी थोड़ी कम पड़ रही है, इसको रफ कर देने वाला है, अभी एक लाइन हो जाएगी। आइए देखिए, कंपोजिट, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को कहते हैं पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं हो गए, कंपोजिट नंबर को हिंदी में क्या कहा जाता है, पहले जान ले। कंपोजिट नंबर क्या होता है, ऐसे नंबर जिनके कम से कम दो फैक्टर हो ही,
कम से कम दो फैक्टर हो, ज्यादा से ज्यादा तीन हो, चार हो, पांच हो, छह हो, कुछ भी हो, ऐसे नंबर कंपोजिट नंबर होते हैं। जैसे हमारा हो गया फोर हो गया, सिक्स हो गया, नाइन हो गया, टेन हो गया, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं, जिनके मोर देन टू फैक्टर हो जाए, दो से ज्यादा हो जाए, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, कंपोजिट नंबर होते हैं। आइए अब देखते हैं को प्राइम नंबर क्या होते हैं, इसको स्क्रीनशॉट फट से ले लीजिए, फिर देखते हैं कि को प्राइम नंबर क्या है। देखिए कंपोजिट नंबर क्या होता है, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या है, क्या कहते हैं, सहअभाज्य संख्या है, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्या। हाँ बच्चों अभी एक चीज छूट गई, कंपोजिट नंबर ये को प्राइम नंबर है, कौन से हैं, को प्राइम नंबर है, कौन सा है, को प्राइम, को प्राइम को कहते हैं सहअभाज्य संख्या है। हाँ एक चीज भी मिस कर दिया मैंने, कंपोजिट नंबर्स को क्या कहते हैं, ठीक है, ये सहअभाज्य है वो भाज्य संख्याएं होती है, कंपोजिट नंबर को क्या कहते हैं, भाज्य संख्याएं, जो डिवाइड हो जाती हैं, ऐसे नंबर्स जो किसी भी नंबर या दो तीन चार फैक्टर जिनके हो जाए, ये याद रखना है कि मोर देन फैक्टर उसके दो होने ही चाहिए, ऐसा नंबर, अब जब फैक्टर होंगे तो किसी न किसी नंबर से तो डिवाइड होगा ही, तभी तो वो कंपोजिट नंबर होगा। ऐसी संख्याओं को हम भाज्य संख्याएं भी कहते हैं, कंपोजिट नंबर को। अब को प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर क्या होते हैं, सहअभाज्य संख्याएं, सहअभाज्य संख्याएं कैसी होती है, ऐसी संख्याएं जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, वन होना चाहिए और कुछ उसमें कॉमन ना हो, जैसे टू और थ्री, अब इसमें कोई कॉमन नहीं है, तो ऐसी संख्याएं क्या होती हैं, सहअभाज्य, जैसे थ्री फाइव हो गया, इनमें कोई कॉमन नहीं वन के अलावा, जिसके कोई भी कॉमन ना हो, ऐसा पेयर जिनमें कुछ कॉमन ना हो, जैसे फाइव एट, इसमें कुछ कॉमन है नहीं, तो ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इनका जिनका एचसीएफ क्या होना चाहिए, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर वन होना चाहिए, ऐसे नंबर्स को हम कहते हैं सहअभाज्य संख्या। एचसीएफ तो जानते ही होंगे, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, जिसे हम हिंदी में कहते हैं महत्तम समापवर्तक, मासा के नाम से जाना जाता है, जिनका मासा वन हो वो सहअभाज्य संख्याएं होती हैं। आइए प्राइम नंबर क्या होते हैं जान लेते हैं, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर, प्राइम नंबर क्या होते हैं, प्राइम नंबर को कहते हैं अभाज्य संख्याएं, ठीक, अभाज्य संख्या, ऐसी संख्याएं, ऐसे नंबर जो सिर्फ अपने ही टेबल में आए, या फिर वन के टेबल में, या स्वयं आए, या फिर वन के टेबल में उसके और कोई फैक्टर ना हो, जैसे टू थ्री फाइव सेवन इलेवन थर्टीन डॉट 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 इंफिनिटी तक, ये सब नंबर ऐसे नंबर हैं जो सिर्फ अपने टेबल में आते हैं या फिर वन के, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, प्राइम नंबर होते हैं। अब कह दिया जाए सबसे छोटा स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, टू, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, टू है, ठीक, ये चीज याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या है, टू। तो ये हमारे बच्चों रहे नंबर, जो विदाउट डेसिमल नंबर कितने प्रकार के होते हैं वो बताया, आप देखते हैं कौन से डेसिमल नंबर्स। अब डेसिमल नंबर्स में क्या क्या आएगा वो देखना है, इसको रफ कर, डेसिमल नंबर्स, डेसिमल नंबर में किस टाइप के नंबर आते हैं, कौन सा फर्स्ट नंबर है, ये डेसिमल नंबर। अब डेसिमल नंबर जो दशमलव वाले नंबर होते हैं वो किस टाइप्स के होते हैं वो चीज देखना है। दशमलव वाले नंबर जैसे किस प्रकार के हो सकते हैं डेसिमल नंबर, जैसे 3.14 ऐसा हो सकता है,
या 2.25 ऐसा नंबर दशमलव में मिल सकता है, या फिर इस प्रकार से नंबर 1.32 फिर 32 डॉट डॉट डॉट, एक पैटर्न बन रहा है कि 32 32 अब रिपीट हो रहा है, ठीक इस प्रकार का नंबर मिलेगा, या फिर इस टाइप का नंबर मिल सकता है 2.32456 12 डॉट डॉट डॉट, ऐसा नंबर मिल सकता है, ठीक ऐसा नंबर मिल सकता है। तो एक तो नंबर होगा जो पूरा पूरा टर्मिनेट हो रहा है, देखो 3.14 पूरा एंड हो गया, किसी नंबर से डिवाइड किया गया तो वो पूरा डिवाइड हो गया, आगे रिमाइंडर कुछ नहीं बचेगा, पॉइंट तभी तो एंड होगा जब डेसिमल जीरो रिमाइंडर जीरो आ जाएगा, यही ये है। अब एक तो ऐसा नंबर जो ऐसे रिपीट होते रहते हैं, वो रिपीट होता रहता है, पैटर्न एक बन जाता है, जैसे देखिए जैसे आ गया हमारा क्या 1/9 1/3, अब ऐसा नंबर इसमें देखो दशमलव लगाया जीरो तो 3 3 जा 9, फिर एक बचा फिर जीरो 3 3 जा 9, अब ये रिपीट हो रहा है 3 3 आएगा तो एक पैटर्न बन जाता है। तो ऐसे नंबर, ये कौन सा नंबर है, ये हमारे दोनों क्या है, ये पूरे टर्मिनेट हो रहे हैं, क्या टर्मिनेट, ये नंबर टर्मिनेट हो गया, तो ये हमारा क्या हो गया टर्मिनेटिंग नंबर हो गया, जो पूरा खत्म हो जाए, ये टर्मिनेटिंग, और ये क्या है रिपीट हो रहा है, ये क्या है रिपीटिंग, स्पेलिंग थोड़ा गड़बड़ हो जाती है फास्ट लिखने में, रिपीटिंग। अब जो नंबर टर्मिनेट हो और रिपीट हो, जो नंबर टर्मिनेट हो जाए और या फिर रिपीट होने लगे, ऐसे नंबर्स को हम लोग कहते हैं रेशनल नंबर। कौन कौन से नंबर इसको थोड़ा बाद में कर लेते हैं, ये जो नंबर है ये हमारे क्या हो रहा है, दो चीजें हैं, एक टर्मिनेट हो रहा है, टर्मिनेट और प्लस रिपीट हो रहा है, क्या हो रहा है रिपीट हो रहा है। तो जो नंबर टर्मिनेट हो जाए और रिपीट हो जाए, जो नंबर टर्मिनेट हो या फिर रिपीट हो, ऐसे नंबर्स को हम प्लस नहीं लगाएंगे, जो नंबर टर्मिनेट हो या फिर रिपीट हो ऐसे नंबर्स को कहते हैं रेशनल नंबर। क्या कहते हैं रेशनल नंबर कहते हैं उसको, क्या हिंदी में कहते हैं परिमेय संख्या, क्या कहते हैं परिमेय संख्या कहा जाता है। कौन से नंबर जो पूरे टर्मिनेट हो जाए या फिर रिपीट होने लगे, ऐसी संख्याओं को हम कहते हैं क्या परिमेय संख्याएं, रेशनल नंबर कहते हैं। और रेशनल नंबर क्या होते हैं, जिन्हें हम p अपॉन q के फॉर्म में लिख सकते हैं, जिन्हें हम किसमें p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। कंडीशन क्या होती है कि q की वैल्यू जीरो नहीं होनी चाहिए, रिमाइंडर कभी जीरो नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो अनडिफाइंड हो जाएगा। तो q की वैल्यू जीरो नहीं होना चाहिए, वो रेशनल नंबर होते हैं। आप लोग कह रहे होंगे सर अभी तक क्या बता रहे थे फिर ये डेसिमल क्यों, तो बच्चों ये डेसिमल अगर आप हटाओगे ऐसे ये 3.14, अब डेसिमल हटेगा तो नीचे क्या आ गया 100, तो ये p अपॉन q का फॉर्म बन गया, तो वही नंबर तो है p अपॉन q के फॉर्म में, उसको डेसिमल में लिखा था, समझ गए, बेवकूफ नहीं बना रहा हूं, टेंशन मत लेना, गलत नहीं पढ़ाएंगे, ये p अपॉन q के फॉर्म में इन्हें लिखा जा सकता है, तो इसीलिए ये क्या है रेशनल नंबर है। कोई इसको देख लो, इसको भी p अपॉन q के फॉर्म में रिप्रेजेंट करेंगे, लेकिन वो एक्सरसाइज में आपको करके दिखाऊंगा। अब इसको ऐसे ये रिपीट हो रहा था तो इसको हम क्या लिख सकते हैं 1.32 के ऊपर बार लगा देते हैं, जितने डिजिट रिपीट होते हैं उतने पे उसके
बार लगा दिया जाता है, साफ पहचान हो जाती है कि ये दोनों डिजिट रिपीट हो रहे हैं। तो ऐसे नंबर जब किसी के ऊपर बार लगा हो तो साफ पहचान जाइएगा कि ये रेशनल नंबर ही है, ठीक। और डॉट डॉट लगा हो, कोई पैटर्न न बन रहा हो, वो इरेशनल नंबर होता है। तो ये हमारे क्या हो गए, रेशनल नंबर समझ गए होंगे उम्मीद करता हूं। अब देखिए इरेशनल नंबर, अब बात आती है कि P अपॉन Q के फॉर्म में अगर है, अब कह दिया जाए जीरो क्या रेशनल नंबर है, यस कह दिया जाए जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, रेशनल नंबर, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर। जीरो को हम P अपॉन Q के फॉर्म में लिख सकते हैं, कोई भी नंबर को, वो चाहे नेचुरल। बच्चों एक चीज जान लीजिएगा, रेशनल नंबर वो नंबर चाहे सारे इंटीजर्स चाहे पॉजिटिव हो या निगेटिव हो, कोई भी नंबर हो, वो सब रेशनल नंबर में ही आ जाता है। जैसे 1, 2, 3, 4, अब इनका डिनोमिनेटर हम कुछ नहीं तो 1 बना सकते हैं, 0 नहीं बना सकते, 1 बना सकते हैं। तो ये सब क्या है, रेशनल नंबर है। तो जितने वो चाहिए नेचुरल नंबर हो या होल नंबर हो या कोई इंटीजर्स हो, सारे नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। अब जीरो कहा जा रहा है रेशनल नंबर है, यस जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर, जीरो इज अ रेशनल नंबर। कैसे, जीरो अपॉन 1 लिख सकते हैं क्योंकि वैल्यू जीरो नहीं है, जीरो अपॉन 2 लिख सकते हैं, क्वेश्चन नंबर 1 है एक्सरसाइज 1.1 का, जीरो अपॉन 3, इस प्रकार से आप इसे कुछ भी नंबर लिख सकते हो, जीरो डिनोमिनेटर में कुछ भी लिख सकते हो। तो लेकिन कंडीशन क्या है कि नीचे जीरो ना हो, नहीं तो वो रेशनल नंबर नहीं होगा। तो आप लोग क्या जाने, ऐसे नंबर जो टर्मिनेट हो जाएं और रिपीट होने लगे, एक पैटर्न बने, बस वो नंबर क्या होते हैं, रेशनल नंबर होते हैं। एक बात फिर से जान लीजिए, ऐसी संख्याएं जो पूर्ण पूर्ण विभाजित हो जाएं, डिवाइड हो जाएं, या कोई उस पर पैटर्न बनने लगे, पुनरावृत्ति होने लगे, ठीक, टर्मिनेट कौन सा रिपीट होने लगे, ऐसे नंबर्स को या रिकरिंग नंबर भी कहते हैं। क्या, रिकरिंग नंबर, पूर्ण रूप से क्या होना चाहिए, कोई या तो पैटर्न बने या फिर वो पूरा डिवाइड हो जाए, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, रेशनल नंबर या परिमेय संख्याएं कहा जाता है। आओ बच्चों देखते हैं कि अब इरेशनल नंबर क्या होते हैं, इसको रफ कर देते हैं फट से स्क्रीनशॉट, और देखते हैं बस लास्ट स्टेप बचा है, फिर जो कमी रह जाएगी वो एक्सरसाइज में बता दिया जाएगा। इरेशनल नंबर, अब अभी तक हम जाने थे क्या, अगर दशमलव इस तरह का और डेसिमल इस तरह, 2, 3, 4, 5, 1, 0, यहाँ डेसिमल न लगा, 1, 5, 2, कभी खत्म ही ना हो, ना कोई पैटर्न बन रहा हो, कभी कोई पैटर्न भी न बन रहा हो और ना खत्म हो रहा हो, ऐसे नंबर्स कौन से होते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। कौन से नंबर, इसको हम क्या कह सकते हैं, नॉन टर्मिनेटिंग, क्या नॉन टर्मिनेटिंग, ये खत्म नहीं हो रहा है, नॉन टर्मिनेटिंग, नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग, एंड नॉन रिपीटिंग, नॉन रिपीटिंग, ना तो ये टर्मिनेट हो रहा है और ना ही ये रिपीट हो रहा है, ऐसे नंबर्स को हम क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहा जाता है। क्या कहते हैं, इरेशनल, क्या कहते हैं, इरेशनल नंबर कहते हैं। अपरिमेय संख्याएं कहा जाता है, अपरिमेय संख्याएं कहते हैं, कौन सी, ऐसी संख्याएं जो कभी डिवाइड करने पर खत्म भी ना हो, ठीक, और ना रिपीट हो, ऐसी संख्याएं अपरिमेय संख्याएं कहलाती हैं, इरेशनल नंबर कहलाती हैं, ठीक, समझ गए, कोई पैटर्न नहीं बन रहा है, ना तो ये
खत्म हो रही हैं, इसलिए ये क्या है, इरेशनल नंबर है। ये चीज याद है। हाँ बच्चों, अगर कोई नंबर रूट में रहता है इस टाइप का, जैसे रूट थ्री, रूट थ्री क्या है, अपरिमेय, कोई भी प्राइम नंबर हो, इस तरह रूट फाइव, रूट सेवन, ये सब क्या है, इरेशनल नंबर ही है, अपरिमेय संख्याएं ही हैं, जिनका ये इम्परफेक्ट नंबर है। रूट सिक्स ये भी इम्परफेक्ट नंबर ही है, जिन जो परफेक्ट नंबर ना हो रूट में, स्क्वायर में, अगर ये यहां पर अब ये कह दिया जाए रूट 16, तो ये परफेक्ट नंबर है, ये 4 का स्क्वायर रूट होता है, इसलिए ये रेशनल नंबर है, लेकिन ये इम्परफेक्ट नंबर है। इम्परफेक्ट कौन से नंबर होते हैं, जिनका स्क्वायर रूट नहीं बनता है, ये रूट में है, इनका कोई नंबर नहीं है, इसलिए ये क्या है, इम्परफेक्ट है। ठीक, तो ये सब क्या नंबर हो गए, इरेशनल नंबर ही होते हैं। पाई भी हमारा क्या है, इरेशनल नंबर है, जो पाई की वैल्यू होती है वो भी 22/7, ये पाई की अप्रोक्स वैल्यू है, या 3.14, ये रियल एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, अप्रोक्स है, ये अप्रोक्स, इसके आगे के और डिजिट भी होते हैं, इसलिए पाई क्या है हमारा, इरेशनल नंबर ही होता है। तो इरेशनल नंबर अपरिमेय संख्याएं बच्चों कौन सी होती हैं, पता होना चाहिए कि ऐसे नंबर जो पूरा टर्मिनेट हो जाए और क्या हो, टर्मिनेट ना हो, नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग हो, ऐसे नंबर्स क्या होते हैं, इरेशनल नंबर होते हैं, अपरिमेय संख्याएं होती हैं। और याद रखना है, कोई भी इम्परफेक्ट नंबर अगर रूट में है तो वो हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर ही होगा। और चीज जान लीजिएगा बच्चों, अगर इरेशनल नंबर में कोई रेशनल नंबर ऐड किया जाता है, क्या रेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर ऐड करते हैं, तो आंसर हमेशा इरेशनल नंबर ही आता है। रेशनल नंबर में कोई इरेशनल नंबर जोड़े या फिर घटाए, आंसर उसका इरेशनल ही आएगा। तो देख लीजिए, रेशनल में अगर हम घटा भी दें इरेशनल, तो आंसर क्या आएगा, इरेशनल। अब चाहे इरेशनल में रेशनल घटाए या रेशनल में, आंसर हमेशा इरेशनल ही आएगा। जोड़ो चाहे घटाओ, ये इधर हो या इधर, दोनों का आंसर इरेशनल ही आएगा। मल्टीप्लाई और डिवाइड में सिर्फ चेंज होगा, ऐड और सब्ट्रैक्ट में। रेशनल में अगर इरेशनल माइनस होता है तो इरेशनल ही होगा। ये चीज याद रखिएगा, मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है ये, मोस्ट इंपॉर्टेंट ये चीज याद रखिएगा। अब इरेशनल नंबर्स को नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करना हम लोग क्लास 9th में सीखेंगे, और क्लास 10th में इनको हम प्रूव करेंगे कि इरेशनल नंबर है बाय कंट्राडिक्शन मेथड से। ये 10th में बोर्ड एग्जाम में जरूर आते हैं। प्रूव दैट रूट 5 इज एन इरेशनल नंबर, ये क्वेश्चन बोर्ड में आता है। ये हमारा कुछ नंबर सिस्टम्स के पार्ट आप लोगों को बताए गए। अगर कोई दिक्कत आती है तो आप कमेंट में बताइएगा, क्योंकि वीडियो बहुत लंबी हो रही है, आगे की जानकारी एक्सरसाइज में मिलेगी। वीडियो को देखते रहिएगा, अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट में आप बता सकते हो। जय हिंद, जय भारत, गुड बाय, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हाँ एक चीज याद रखिएगा, वीडियो को अब तक अगर लाइक नहीं किया है तो लाइक कीजिए, और ज्यादा से ज्यादा दोस्तों को शेयर करिए। हाँ, सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा, उसे प्रेस कर लीजिएगा, जिससे जब भी कोई वीडियो डालू तो सबसे पहले उसका नोटिफिकेशन आप तक पहुंचे। थैंक यू, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।